आज से 8 साल पहले एसआरके और सलमान को इसी सॉन्ग में लास्ट टाइम एक साथ सिल्वर स्क्रीन पर देखा गया था, जिसके बाद वो कभी बड़े पर्दे पर साथ नहीं आए। लेकिन जो इतने सालों में नहीं हुआ वो अब होने जा रहा है। एक बार फिर 70mm की स्क्रीन पर एसआरके सलमान साथ आएंगे। फिर से करण अर्जुन की आइकॉनिक जोड़ी सिल्वर स्क्रीन पर दिखेगी और ये होगा फिल्म ट्यूबलाइट में। सलमान खान की फिल्म ट्यूबलाइट में किंग खान एक स्पेशल कैमियो रोल में नजर आएंगे। सलमान चाहते हैं कि शाहरुख उनके होम प्रोडक्शन फिल्म में उनके साथ काम करें। हालांकि जब इस न्यूज के बारे में एसआरके से पूछा गया तो उन्होंने कुछ क्लियर नहीं किया। अगर मैंने भी ये खबरें सुनी है, यू शुड आस्क द प्रोड्यूसर्स ऑफ ट्यूबलाइट, वो सही जवाब देंगे तुमको। जाहिर है ऑलमोस्ट 8 सालों के बाद सलमान शाहरुख का एक साथ सिल्वर स्क्रीन पर आना बॉलीवुड की सबसे बड़ी खबर है, और हो सकता है कि इस बड़ी खबर की अनाउंसमेंट भी बड़े तरीके से ही की जाए। वैसे रिपोर्टेडली सलमान ने शाहरुख को ट्यूबलाइट में लेने का डिसीजन रिसेंटली ही किया है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, सलमान ट्यूबलाइट से ज्यादा खुश नहीं हैं। ऐसे में उन्होंने लास्ट मोमेंट पर अपने क्लोज बड़ी एसआरके को ऑन बोर्ड लेने का फैसला किया। अब ये तो जग जाहिर है कि अगर सलमान और शाहरुख किसी फिल्म में 8 सालों के बाद साथ आएंगे तो उस फिल्म का ऑडियंस कैसे वेलकम करेगी। फॉर अभिषेक सिंह, जूम मुंबई। For all the garma garam Bollywood gossip news and more, download the Zoom app now.